बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज हम बनाएंगे आइस पॉप्स, आइस लॉलीज, क्विक, इजी और सिंपल तरीके से। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आइस पॉप्स बनाने के लिए हम सिरप बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप शुगर ली है, 2 कप पानी डालेंगे। जितनी शुगर आप लेंगे उसका डबल आप पानी डालें। गैस का फ्लेम हम ऑन कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर हम शुगर के पिघल जाने और डिजॉल्व हो जाने तक इसे बॉईल करेंगे। यहाँ पर हमें कोई गाढ़ी चाशनी बना के तैयार नहीं करनी है, बस इसके अंदर हम शुगर को डिजॉल्व हो जाने देंगे। शुगर इसमें हमारी अच्छे से पिघल गई है, डिजॉल्व हो गई है। गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और इसमें हम डाल देंगे 3 से 4 टेबलस्पून लेमन जूस, नींबू का रस, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है। सिरप को हम पूरी तरीके से ठंडा कर लेंगे। सिरप को यहाँ पर हमने 5 बॉल में डिवाइड कर दिया है। जितने कलर के आपको बनाना है उस हिसाब से इसे डिवाइड कर लें और इसमें हम फूड कलर मिक्स कर देंगे। आप अपनी पसंद के कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू और रेड कलर का इस्तेमाल किया है। सभी कलर्स को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे करते हैं साइड। आइस पॉप्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरीके के बैग्स ले लिए हैं। इसके अंदर हम सिरप को फिल करेंगे। यहाँ पर मैंने एक ग्लास ले लिया है, इसके अंदर हम बैग रखेंगे और इसके अंदर सिरप को फिल कर लेंगे। आपको जैसे आसान लगे आप इसे फिल कर सकते हैं। यहाँ मैं इसे ड्रॉपर से डाल रही थी, इसमें टाइम लग रहा है। इसी तरीके से हम सारे बैग बनाकर तैयार कर लेंगे। बैग को हमने अच्छे से सिरप से भर लिया है। इसे थोड़ा सा ऊपर से खाली रखना है ताकि हम इसे मोड़ कर अच्छे से पैक कर सकें। कैंडल की मदद से हम इसे इस तरीके से पैक कर लेंगे। इसी तरीके से हम सारे आइस पॉप्स बनाकर तैयार कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाली नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सारे आइस पॉप्स हमने बना लिए हैं। मैंने यहाँ पर एक नींबू पानी का भी बना लिया है और अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे, जिससे ये अच्छे से जम जाएंगे। पूरी तरीके से जम जाए तब हम इसे फ्रिज से निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने आइस पॉप्स को फ्रिज से निकाल लिया है और ये अच्छे से सेट हो गए हैं, जम गए हैं। आइस पॉप्स हमारे सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत ही आसानी से हम इसे घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।